नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इंडियन म्यूजिक स्कूल के नए लेसन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भैरव ठाट के बारे में। भैरव ठाट में कौन कौन से स्वर इस्तेमाल किए जाते हैं, भैरव ठाट का जनक राग कौन सा राग है और उसमें कौन कौन से सुर लगते हैं, भैरव ठाट से उत्पन्न हुए रागों के नाम क्या क्या हैं, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों भैरव एक बहुत ही गंभीर प्रकृति का राग है। भक्ति रस में भैरव राग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो स्वर भैरव ठाट में लगाए जाते हैं वो स्वर हैं सा, कोमल रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, कोमल धा, शुद्ध नी, तार सप्तक का सा। आइए दोस्तों, हारमोनियम पर इसको कैसे बजाना है मैं आपको बताता हूं। सा कोमल रे, रे अगला स्वर है शुद्ध गा, गा स्वर है शुद्ध मा, मा अगला स्वर है पा, पा स्वर है कोमल धा, धा अगला स्वर है शुद्ध नी, नी तार सप्तक का सा, सा आइए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। सा दोस्तों, भैरव ठाट से कई रागों की उत्पत्ति हुई है। उनमें से कुछ राग हैं राग भैरव, राग रामकली, राग बंगाल भैरव, राग प्रभात, राग शिव भैरव, राग आनंद भैरव, राग अहिर भैरव, राग गुणकली,
राग कलिंगड़ा, राग जोगिया, राग विभास इत्यादि। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ थाट भैरव का जनक राग कौन सा है। थाट भैरव का जनक राग है राग भैरव। आइए दोस्तों, अब मैं आपको राग भैरव में जो अरोह और अवरोह इस्तेमाल किए जाते हैं उन सुरों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।